इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दो रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय द फोटो सिस्टम सेकेंड। तो हाँ जो ये लाइन इलेक्ट्रॉन, इतनी लाइन है और भी है इतनी है। ठीक है। तो PS1 यानी फोटो सिस्टम वन को जो इलेक्ट्रॉन, जिसको आगे आप कह रहे हो कि भाई फेराडॉक्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो PS1 को जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए हैं आफ्टर द रिलीज टू द फेराडॉक्स, वो आपको PS2 से जो पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आ रहा है उससे मिलेंगे। मतलब प्लास्टोसाइनिन से ही। हाँ प्लास्टोसाइनिन से रिसेंटली कहा ओके जाए तो इमीडिएटली उसके जो पीछे है वो प्लास्टोसाइनिन है, अदरवाइज लैंग्वेज के हिसाब से पीछे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दो, क्योंकि हर जगह दो ही इलेक्ट्रॉन है, प्लास्टो क्यूनोन से प्लास्टोसाइनिन तक हर जगह दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दे दो जो बुक में लिखा हुआ है, या समझने के लिए प्लास्टोसाइनिन मान लो, रिसेंटली तो वही आएगा। नहीं, बस इसमें जैसे लिखा था प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम सेकेंड, तो मैंने सोचा ऑक्सीजन स्प्लिटिंग से मिलेंगे। नहीं, वो मतलब फोटो सिस्टम टू से जो रिलीज हुए थे जिनको फियोफाइटे ने लिया था, वो वाले हाँ इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 को जा रहे हैं। यस सर। ठीक, सो नेक्स्ट आएगा लाइट रिएक्शन में ही टॉपिक है ये केमी ऑस्मोटिक, कि अभी हमने जो लिखा था नॉन साइक्लिक हो या साइक्लिक हो, ATP दोनों जगह बनता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है ATP फॉर्मेशन को यूजिंग द एनर्जी, जो आपने फॉस्फोराइलेशन समझा था वो उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई है वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ना, इसको पीटर माइकल ने दिया था, नोबेल लॉरेट है ये। पीटर माइकल ने एक हाइपोथेसिस को सजेस्ट किया कि एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये तो पता है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ेंगे तो एटीपी बन जाएगा, ADP प्लस IP गिव्स टू ATP, चाहे वो लाइट की एनर्जी को यूज करके हो फोटो फास्फोराइलेशन, चाहे वो ऑक्सीडेटिव एनर्जी को यूज करके हो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना। ये जो हाइपोथेसिस है ये दोनों चैप्टर पे अप्लाई होती है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे आप फोटो फास्फोराइलेशन से ATP कैसे बनता है ये पढ़ेंगे अभी, और अगला चैप्टर जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ATP कैसे बनता है जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा रेस्पिरेशन, हाइपोथेसिस सेम है, एक ही पर्सन ने दोनों जगह चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना हो या क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का बनना हो, दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही हाइपोथेसिस दी गई है। अब इस हाइपोथेसिस में कहा क्या गया है, इसमें यह कहा गया कि चाहे आप फोटो फास्फोराइलेशन की बात करें जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, या चाहे आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी मैंने आपको दोनों समझाए थे, दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में ये एक हाइपोथेसिस अप्लाई होती है। अब इस हाइपोथेसिस में है क्या कि इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, देयर आर फोर बेसिक रिक्वायरमेंट, चार चीजें चाहिए पीटर माइकल के हिसाब से एटीपी बनाने के लिए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो, चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो या फोटो फास्फोराइलेशन हो, देर आर फोर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वो बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, पहली रिक्वायरमेंट जो इसमें आती है, दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक मेम्ब्रेन सिस्टम चाहिए। मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों चाहिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं है बट आपने ऑस्मोसिस तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 9th 10th में 11th 12th में केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऑस्मोसिस यहाँ पे है केमी ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या चाहिए होता है, हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस में आप मूवमेंट करा लेते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का या वाटर के मॉलिक्यूल का, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, तो जब तक ये मेम्ब्रेन नहीं होगी ऑस्मोसिस नहीं हो सकती, जो मूवमेंट कराएंगे दैट इज ऑलवेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम इस बात को क्लोरोप्लास्ट पे अप्लाई करें फोटोफॉस्फोराइलेशन के रेफरेंस में, तो यहाँ ये मेम्ब्रेन कौन सी है, यहाँ ये मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया तब ये मेम्ब्रेन कौन सी आएगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो दोनों ही जगह मेम्ब्रेन की अवेलेबिलिटी है, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, तो पहली रिक्वायरमेंट कि हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए तो मेम्ब्रेन हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट,
आप मूवमेंट किस चीज का कराओगे? ऑस्मोसिस में तो मूवमेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होता है, सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे किसी केमिकल कंपोनेंट का मूवमेंट है, कैमी ऑस्मोसिस है ये। तो कैमी ऑस्मोसिस के हिसाब से यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा? प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। और प्रोटॉन का मूवमेंट करना है डिफ्यूजन करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यानी कि डिफरेंस भी चाहिए, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। प्रोटॉन को आप एच पॉजिटिव से लिखते हो, अब बायोलॉजी में प्रोटॉन का मतलब यही रहेगा एच पॉजिटिव, हालांकि एच पॉजिटिव में एक प्रोटॉन है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, अदरवाइज ये प्रोटॉन है, इसको आप एच पॉजिटिव की जगह जैसे एक प्रोटॉन आप समझते हैं केमिस्ट्री में वैसे याद रखिए। बिना हाइड्रोजन वाले केस में भी आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर ही लेते हैं, तो इसको रादर देन हाइड्रोजन इसको ये मानिए कि ये एक प्रोटॉन के बराबर है। तो बायोलॉजी में एक प्रोटॉन का मतलब एक एच पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, बिकॉज एच पॉजिटिव में एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। अब ये ग्रेडियंट यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, कैसे बनेगा वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक रिक्वायरमेंट पे चल रहे हैं। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट दोनों जगह आएगा, दोनों जगह का मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा, तो ये बात भी आएगी। तीसरा क्या है, फिर से अगर मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर से पहले जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर है उसमें ये बात कही गई है कि जो भी चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, और प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव तो चार्ज को कैरी कर रहा है, यानी ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगर आप थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बनाएंगे तो कहीं से भी नहीं जा सकता, उसके जाने की एक जगह होगी। तो प्रोटॉन को पंप करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, कोई कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए जो प्रोटॉन को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जा सके, अपने आप नहीं जा सकता, तो इट ऑलवेज कैरियर है ना। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन का एक पंप चाहिए, पंप मतलब कैरियर चाहिए, और चौथा चाहिए हमें एंजाइम। एंजाइम एटीपी की सिंथेसिस में कौन सा है? एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए और एक प्रोटॉन का कैरियर या पंप चाहिए। अब यहां जो प्रोटॉन का कैरियर है वो कौन सा होता है, अभी तो लिख लीजिए, ये है सी एफ नॉट मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या कहलाता है? सिर्फ एफ नॉट कहलाता है। और यहाँ पे ये एंजाइम यानी जो एक्टिव साइट आएगी वो कहाँ पे आएगी? सी एफ वन के अंदर आएगी, और यहाँ पे जो एक्टिव साइट होगी वो सिर्फ एफ वन के अंदर आएगी। एंजाइम की एक्टिव साइट जहां होती है रिएक्शन वहीं होगी, आपने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट वहीं पर बाइंड करता है जहां पे उसकी एक्टिव साइट होती है, तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जो एंजाइम के ऊपर है वहीं जाके बाइंड करेगा। तो इसका मतलब ये कि एक्टिव साइट कहां प्रेजेंट होगा? सी एफ वन में क्लोरोप्लास्ट और एफ वन में माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका जो बेसिक पोर्शन है जो प्रोटॉन के कैरियर का काम करेगा वो है सी एफ नॉट और एफ नॉट, है ना। नई बुक में जो न्यू बुक्स दी हुई है, इवन नई एनसीईआरटी जो 2019 में पब्लिश होके आई थी उसमें यहाँ पे करेक्शन कर दिया गया है, अब न्यू टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये सी एफ नॉट सी एफ वन है। पुरानी बुक अगर किसी के पास एनसीईआरटी की होगी, या हो सकता है कोई पुराना क्वेश्चन हो जो 2019 से पहले आया हो, तो वहां पे सी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं था, वहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एफ नॉट एफ वन था और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एफ नॉट एफ वन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नई बुक्स में आपको ये सी स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट, आप मान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट का एफ नॉट एफ वन है और ये बिना क्लोरोप्लास्ट यानी माइटोकॉन्ड्रिया का एफ नॉट एफ वन है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा होगा एफ नॉट एफ वन पार्टिकल को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। इन माइटोकॉन्ड्रिया एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स आर कॉल्ड ऑक्सीसोम बोलते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने इनका नाम पढ़ा होगा, इनको क्या बोलते हैं वहां पे? इनको ऑक्सीसोम बोला जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हो? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम वो है जहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीडेटिव नहीं होता ना, तो यहाँ पे एफ नॉट एफ वन नहीं लिखना चाहिए इस लॉजिक के साथ। हायर बुक्स में तो शुरू से ही सी एफ नॉट सी एफ वन है, एनसीआरटी ने भी इसको चेंज कर दिया और अब ये सी एफ नॉट सी एफ वन हो गया है ना। तो पुराने क्वेश्चन में आपको दोनों जगह एफ नॉट एफ वन मिलेगा, लेकिन नए क्वेश्चन में ये सी एफ नॉट सी एफ वन है और ये एफ नॉट एफ वन है। अब जहां तक
इस वाले सेक्शन की बात है, वो तो अगला चैप्टर है। रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है, फोर बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों जगह चाहिए। फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे कौन सा, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना फोटोफॉस्फोराइलेशन है, लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों जगह जो है वो सेम आएंगी। जब आप ऑक्सीडेटिव पढ़ोगे तब ऑक्सीडेटिव का देख लेंगे क्या है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसको डायग्राम के हिसाब से कि ये होगा कैसे, है ना। ये आपकी बुक का है, आप अगर बुक में सर बैक देखोगे करो। हो गया सर, हो गया। एक मिनट, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ चीजों को। ये एनसीईआरटी के हिसाब से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा, चाहे वो फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हो, दोनों जगह सेम है। लिखा है कि इन बोथ द केसेस एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। हमें एक चाहिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट, और ये एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस चाहिए, यानी कि एक मेम्ब्रेन चाहिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन में मेम्ब्रेन का नाम थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, और एक्युमुलेशन जो होगा वो भी हम पढ़ेंगे, वो ल्यूमेन के अंदर होगा, है ना। प्रोटॉन इकट्ठा कहाँ होते, ल्यूमेन में होते हैं। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो हम पहले अपने हिसाब से समझ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या है। ये छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, सिंगल थैलेकोइड मेम्ब्रेन बना हुआ है ना। दिस इज थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अगर ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर क्या आएगा सारा, इसके बाहर आएगा स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, और फिर इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर आएगा ल्यूमेन। तो यानी कि एक मेम्ब्रेन है जो थिकनेस है, मोटाई ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर स्ट्रोमा और इसके अंदर ल्यूमेन। तो हमें मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट करना है। प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा दूसरी रिक्वायरमेंट, और मेम्ब्रेन पहली रिक्वायरमेंट है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो ये पूरी हो ही नहीं है। अब ये ग्रेडियंट एस्टेब्लिश कैसे होता है, तो मैं ब्रीफ में आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे आपने बनाया फॉर एग्जाम्पल कि ये पी एस टू है, छोटा छोटा लिखूंगा, ये पी एस टू है, यहाँ पे कहीं ओ ई सी होगा, तो यहाँ पे वाटर स्प्लिट करेगा। जब वाटर स्प्लिट करेगा तो यहाँ पे बनेगा हाफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो गई, प्लस प्रोटॉन्स। अब ये वाटर बहुत सारे स्प्लिट कर गए तो यहाँ पे प्रोटॉन की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ऑक्सीजन तो निकल गई है, ये तो डिफ्यूज होके बाहर चली गई। यहाँ पे आपने ओईसी लिखा हुआ है, एनॉल जो भी कुछ है। फिर आपने लिखा यहाँ पे कि ये फाइटो पीओफाइटिन है, उसके बाद यहाँ पे मेन जो आएगा वो पी क्यू आएगा, और PQ से यहाँ पे आप बनाओगे PQH2 आपकी बुक के हिसाब से। फिर फाइनली यहाँ पे कहीं साइटोक्रोम B6 आएगा, यहाँ पे साइटोक्रोम F आएगा कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे आपका PS1 आएगा कहीं, है ना, और फिर यहाँ पे फेराडॉक्सिन ऊपर आएगा FB। तो ये पूरी एक चेन बनी हुई है। प्लास्टोसाइनिन बनाया नहीं, बाकी आप इमेजिन कर लो, है ना, समझने के हिसाब से। अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने बनाया है कि ये यहाँ पे NADP पहले से थे, अगर इनको प्रोटॉन कहीं से मिल जाए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे एंजाइम है, तो यहाँ बन जाएगा NADPH2, ऐसे बनेगा। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि प्रोटॉन का ये एक ब्रीफ में नॉन साइक्लिक बना हुआ है, आप इसको ब्रीफ में नॉन साइक्लिक के हिसाब से ही इमेजिन कर लो, पूरा नहीं बनाया नॉन साइक्लिक, जितना जरूरी था उतना ही बना हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात के लिखा है PQH2,
हाँ पी क्यू एस टू क्यों लिखा, वो अभी रिड्यूस होगा इसलिए मैंने लिख दिया है, वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। अब यहाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। आप अपनी बुक का डायग्राम देखोगे, फिर मैं बुक का भी डायग्राम आपको दिखा दूंगा। ये इस तरीके से ही होगी, पी क्यू एच टू से पी क्यू, और अब पी क्यू एच टू से पी क्यू आएगा तो ये प्रोटॉन और यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये भी होगा है ना, हमें अभी रीजन चाहिए है ना, और क्लियरफाई और क्लैरिटी लाऊं डायग्राम में। देखो एक और कलर लेते हैं, एक ब्लू से एच पॉजिटिव है और एक रेड से एच पॉजिटिव है ना, और येलो से जो बना है सो बना ही हुआ है ना। अब हमें क्या चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है आपकी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए थी, एक मेम्ब्रेन चाहिए थी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारा प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ना। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट था हमारा प्रोटॉन का डिफरेंस, यानी प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। अब ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ये कैसे बनेगा, वन टू थ्री। अब ये वन टू थ्री क्या है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो एनसीईआरटी में तीन पैराग्राफ दिए हुए हैं जहां से ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट हो रही है। पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो पहला रीजन ये है जो रेड से बना हुआ है, फर्स्ट वन, इसमें आप समझोगे क्या कि ड्यू टू द लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है वो मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है। अभी मैंने आपको समझाया कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर यानी इनर साइड का मतलब क्या है, टुवर्ड्स ल्यूमेन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो ये ल्यूमेन है, तो यानी इनर साइड मतलब ल्यूमेन साइड, और मेम्ब्रेन के बाहर आउटर साइड का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स स्ट्रोमल साइड। तो क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की लोकेशन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ये तो सब हो ही रहा है नॉन साइक्लिक छोड़ दो, तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन है जो इकट्ठा होने लगेंगे कहां, इनटू द ल्यूमेन। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होगा, ल्यूमेन बढ़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए ये एक वॉल है, इसके इधर कुछ प्रोटॉन है और इसके इधर कुछ प्रोटॉन है, और मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां प्रोटॉन को बढ़ा दूं तो ये डिफरेंस ज्यादा हो गया, यहां मत बढ़ाइए, यहां से प्रोटॉन कम कर दीजिए तो भी ये डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर। अगर मान लीजिए ये वॉल है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में 10 है, इसके राइट साइड में 10 है, अब मुझे इनके बीच में डिफरेंस लाना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इस वाले 10 में 5 ऐड कर दूं तो ये 15 हो गए, ये 10 हो गए, तो भी डिफरेंस आ गया। मैं ऐड ना करूं तो क्या होगा, मैं इस साइड से 5 हटा दूं तो अब ये 10 है और ये 5 हो गए, फिर से 5 का डिफरेंस हो गया। तो आप बढ़ाने से भी प्रोटॉन का डिफरेंस कर सकते हो, दूसरी तरफ हटाने से भी प्रोटॉन का डिफरेंस ला सकते हो, हमें केवल डिफरेंस चाहिए। एज पर केमी ऑस्मोटिक डिफरेंस होना जरूरी है, वो डिफरेंस कैसे हो रहा है इस केस में, तो उसका पहला रीजन ये, डिफरेंस होने के तीन रीजन है, 1 2 3, उसका पहला रीजन ये है कि ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो हमेशा ल्यूमेन की तरफ होती है, जो मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां प्रेजेंट है, इसलिए प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कहां होता है, ल्यूमेन के अंदर होता है, तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन ज्यादा हो गया, ठीक। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है ब्लू वाला है ना। सेकेंड रीजन क्या है, ये सेकेंड ये है, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन की खास बात क्या है कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। प्लास्टोक्विनोन क्या है, प्लास्टोक्विनोन की लोकेशन क्या है, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी तो करेगा, साइड बाय साइड ये प्रोटॉन को भी कैरी करता है, और इसकी लोकेशन क्या है, ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स आउटर साइड, टुवर्ड्स स्ट्रोमल साइड। तो दूसरा पैराग्राफ जो दिया है वो प्लास्टोक्विनोन के लिए दिया,
वहां पे नाम नहीं लिखा, नाम आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में मिलेगा, नई एनसीईआरटी का डायग्राम जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, तो उसमें ये चीजें क्लैरिफाई करके दिए कि प्लास्टोक्विनोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का कैरियर भी है और एक प्रोटॉन का कैरियर भी है। प्लास्टोक्विनोन या फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन को लेके साइटोक्रोम B6 को तो देगा, साइड बाय साइड क्या करेगा, ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन को लेगा और यहां छोड़ देगा, ल्यूमेन में छोड़ देगा। छोड़े कहां है, छोड़े हैं इसने ल्यूमेन के अंदर, और लिए कहां थे, लिए इसने थे मैट्रिक्स में से। सर हाँ सर, आपने बोला था प्रोटॉन्स का डिफरेंस अगर क्रिएट करना हो तो कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी, तो सर अगर ल्यूमन में कंसेंट्रेशन कम करनी हो तो? वो भी देखेंगे, पहले ल्यूमन में बढ़ा तो लो। ल्यूमन में कम नहीं करेंगे हम, ल्यूमन में बढ़ाएंगे, हमें ल्यूमन में ज्यादा रखने हैं, और फिर ल्यूमन में कम कैसे करोगे वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। पहले जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो, मैं पूरी कर लूँ उसके बाद जिसके जो डाउट है मोस्ट वेलकम। तो प्लास्टोक्विनोन के साथ साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को तो लेगा, इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं बनाए, पीछे नॉन साइक्लिक का पूरा डायग्राम बना चुके हो, तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को जाते हैं और प्लास्टोक्विनोन उन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 को देता है। लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन कैसी है, ये कुछ ऐसी है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये पीछे से ले रहा है, ये प्लास्टोक्विनोन है, इससे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन आगे मान लीजिए साइटोक्रोम B6 को दे, ये क्या करेगा, ये इधर से प्रोटॉन भी लेगा। अब ये क्या बनेगा, PQ जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके किस में चेंज होगा, PQH2 में चेंज होगा, और जब ये PQH2 वापस PQ में जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां चले जाएंगे और प्रोटॉन कहां छूट जाएंगे, अंदर। तो है क्या एक्चुअली, ये ऐसे रिएक्शन है कि इलेक्ट्रॉन तो पीछे से लिए और आगे साइटोक्रोम B6 को जाएंगे, बट मीनवाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के कैरियर के साथ साथ ये प्रोटॉन का कैरियर भी है, ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठाएगा और PQH2 में चेंज होगा, PQH2 से जब वापस PQ बनेगा तो प्रोटॉन को ल्यूमेन में छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को दे देगा। तो यहाँ प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकल के साइटोक्रोम B6 को चले गए, जो आपने नॉन साइक्लिक में पढ़ा था, बट मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के कहां डाल दिया गया, ल्यूमेन में डाल दिया गया। यहां देखो तो ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन को निकाल के छोड़ा कहां है, ल्यूमेन में। तो यानी अब आप ये कहें कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन कहां से आए, बात की बात है, अभी मान लेते हैं कि मैट्रिक्स में कहीं से तो थे, तो मैट्रिक्स में जो भी प्रोटॉन थे वो उठा के कहां छोड़ दिए, ल्यूमेन में छोड़ दिए। तो यानी पहले और दूसरे रीजन ने क्या किया, ल्यूमेन के अंदर रेड और ब्लू से जो बनाए, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। पीटर माइकल ने प्रोटॉन को काउंट नहीं किया था, और ना ही पॉसिबल है कि आप प्रोटॉन को पकड़ पकड़ के काउंट करोगे। उन्होंने मेजर क्या किया था, उन्होंने मेजर किया था प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ pH। जब प्रोटॉन एक्यूमुलेट ल्यूमेन के अंदर होंगे तो ल्यूमेन की pH पहले के कंपैरिजन में, पहले का मतलब क्या, जब ये लाइट रिएक्शन नहीं हो रही, जब लाइट रिएक्शन नहीं हो रही तब तो ये सारा काम नहीं होगा ना, लाइट रिएक्शन होगी तभी तो ये नॉन साइक्लिक वाला वर्क करेगा। तो अगर सनलाइट नहीं है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट को डार्क में देखोगे तब ल्यूमेन की pH कितनी है, और अगर लाइट हो रही है तो ल्यूमेन की pH कितनी है, तो ल्यूमेन की pH यहाँ पे कम हो जाती है, और pH कम होने का मतलब, एसिडिक होने का मतलब 100% एक ही चीज है, there is accumulation of H positive ions. तो H positive ion इस तरीके से यहाँ पे मेजर किए गए थे। तो ये दो रीजन है जिनसे ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ल्यूमेन में ज्यादा हो गए तो मेम्ब्रेन के यहाँ पे स्ट्रोमा है, तो यानी स्ट्रोमा में तो कम है ही, ल्यूमेन में ज्यादा किसने किए, एक तो OEC की लोकेशन की वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई और प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठा हुए, और दूसरा प्लास्टोक्विनोन के नेचर की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन का भी कैरियर है, वो प्रोटॉन को भी मैट्रिक्स से उठा के ल्यूमेन के अंदर छोड़ देता है वाइल पासिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पियोफाइटिन टू साइटोक्रोम B6। एक इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए वो एक प्रोटॉन को छोड़ेगा, मतलब अगर यहां से दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो दो प्रोटॉन को लेके यहाँ पे दो प्रोटॉन को वो छोड़ देगा, है ना। इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट आएगा, ये दो हो गए, इन दोनों ने ल्यूमेन को बढ़ा दिया, यानी ल्यूमेन में के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब तीसरे रीजन पे आते हैं, है ना। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा ये है कि एक तरफ तो हमने ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा किए, ल्यूमेन में इकट्ठा किए तो ल्यूमेन की pH ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम करेंगे। स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम कैसे करेंगे, थर्ड रीजन क्या है, थर्ड ये रीजन है, ये वाला वाइट, ये थर्ड रीजन है ना, और ये आपका सेकंड रीजन था।
क्लास टू की उन्होंने, और ये आपका फर्स्ट रीजन था ओईसी। तो थर्ड रीजन ये है आपके पास। थर्ड रीजन में खास बात क्या है? थर्ड रीजन में खास बात ये है कि यहाँ पे जो ये एंजाइम है ना, अभी मैंने आपको बताया FNR लिखा हुआ है ना, तो NR का मतलब रिडक्टेज एंजाइम है। तो जो रिडक्टेज आपने लिखा था फेराडॉक्सिन रिडक्टेज, NADP फेराडॉक्सिन रिडक्टेज, ये एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटॉन को NADP के साथ कंबाइन करके NADPH2 बना देता है। तो यानी कि इस स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में जितने भी प्रोटॉन थे वो प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं, कैसे, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन बाय NADP। NADP क्या करेगा, वो इन प्रोटॉन्स को लेके किस में चेंज कर रहा है, NADPH2 में चेंज कर रहा है। तो एक तरफ ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं बाय 1 और 2, दूसरी तरफ स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं बाय 3, और इस सब का ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि देयर इज ए ग्रेडियंट एस्टैब्लिश बिटवीन ल्यूमेन एंड द स्ट्रोमा। बीच में क्या आएगा, अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, तो बीच में एक मेम्ब्रेन है जिससे ये ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट आपसे कहा जाए कि कैसे स्टेबलिश होगा नॉन साइक्लिक में, तो ये तीनों रीजन है 1, 2, 3, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ओईसी टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ड्यू टू द नेचर ऑफ प्लास्टोक्विनोन लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन कैरियर, एंड थर्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम FNR जो NADP के साथ प्रोटॉन को कंबाइन करके NADPH2 बनाता है। इन तीनों की वजह से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम हो गए। तो ये आपका डायग्राम यहां से पूरा हुआ। अब तीसरी बात है, प्रोटॉन यहां ज्यादा हो गए, प्रोटॉन यहां कम हो गए, अब ये ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस क्या है, इट्स ए पैसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी तो खर्च होती नहीं। अगर ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन एज पर डिफ्यूजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे अपने आप जाने लगेंगे। तो अब ये ग्रेडियंट टूटेगा, पहले तो ग्रेडियंट बना, अब ये ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, ये पूरी मेम्ब्रेन में से कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकता, इसको क्रॉस करने की जगह होती है। वो जगह क्या होती है, वो जगह था CF0 पोर्शन ऑफ ATP सिंथेसिस, है ना। CF0 और CF1 आपने थर्ड और फोर्थ रिक्वायरमेंट में लिखा। तो एक्चुअली एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, ATP सिंथेसिस। तो ATP सिंथेसिस एंजाइम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अगर आप ATP सिंथेसिस को समझोगे तो ATP सिंथेसिस ऐसा होता है, एक ये है प्रोटीन का पार्ट ATP सिंथेसिस का, और एक ये है प्रोटीन का पार्ट ATP सिंथेसिस का, ये एक ही है। ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये मेम्ब्रेन में मैं एक कमरे के बिल्कुल दरवाजे के अंदर खड़ा हूं, बट मेरा हाथ बाहर है, तो मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो मेरी रूम से बाहर जा रहा है और बाकी मेरी पूरी की पूरी बॉडी रूम के अंदर है। तो ऐसे यहाँ पे भी ये है, ये पूरा एंजाइम, बट इस पूरे एंजाइम में खास बात क्या है कि इस एंजाइम का एक पोर्शन तो ऐसा है जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब पूरी मेम्ब्रेन की थिकनेस को कवर करता है, और कुछ पोर्शन ऐसा है जो मेम्ब्रेन से बाहर है। बाहर का मतलब किधर, स्ट्रोमा की तरफ। ये नहीं कि आप ल्यूमेन की तरफ बना दो कि उसको उल्टा कर दो, ल्यूमेन की तरफ नहीं करना है, स्ट्रोमा की तरफ करना है। तो जो इसका मेम्ब्रेन में एम्बेडेड पोर्शन है वो कहलाता है CF0, और जो इसका मेम्ब्रेन से बाहर टुवर्ड्स स्ट्रोमा होता है वो पोर्शन कहलाता है CF1। तो CF0 CF1 क्या है, वो ये है ना, ये है CF0 और ये है CF1। अब इसमें जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट कहां पे है, एक्टिव साइट इसी में है। ये इसकी एक्टिव साइट है जहां पे आके रिएक्शन होने वाली है ये। तो एक्टिव साइट कहां प्रेजेंट होती है, वो CF1 सेक्शन में होती है। तो अब प्रोटॉन ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो होगा क्या, इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। प्रोटॉन मतलब चार्ज, चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल। तो कुछ यहाँ पे पोटेंशियल है, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल है। जैसे आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स जहां भी आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, क्योंकि वहां पे जो मोटिव फोर्स है, जो काम कराने के लिए फोर्स जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रो फिजिक्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, वो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से था। तो आप EMF पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो प्रोटॉन का है, तो यहाँ जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF बोलते हैं। यहाँ पे EMF की जगह क्या आएगा, PMF आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन की हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोटॉन की लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, इसको नाम दिया गया
प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो जब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन कैसे होगा कि कुछ प्रोटॉन यहां से निकल के यहां आएंगे, कहां से आते हैं, हमेशा सी एफ नॉट से आते हैं। तो होगा क्या, ये प्रोटॉन ट्रेवल करके यहां आएंगे और यहां से फिर ये बाहर आते हैं, तो प्रोटॉन बाहर आएंगे, है ना। तो प्रोटॉन बाहर कहां से आएंगे, सी एफ नॉट। सी एफ नॉट एक सॉलिड प्रोटीन है, एक बॉल के जैसा है जिसके अंदर से जगह खाली है, और प्रोटॉन यहां से निकले और इधर से निकल के अपोजिट साइड से चले गए। तो ये बॉल के जैसा एक प्रोटीन का पार्ट है, इसे इंटीग्रल या मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन बोलते हैं, जो टनल का काम करता है, जो कैरियर का काम करता है कि प्रोटॉन इस टनल से क्रॉस करके आ सकते हैं। बट जब वो क्रॉस करके आएंगे तो होगा क्या कि ये जो एफ नॉट पोर्शन है, प्रोटॉन मतलब चार्ज यानी एनर्जी है, तो यहाँ पे जो सी एफ वन पोर्शन है, सी एफ वन पोर्शन में क्या होगा, कन्फ्यूरेशनल चेंजेस होते हैं, इसकी जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही प्रोटॉन का इसे कॉन्टेक्ट मिलेगा, इसकी एक्टिव साइट जो बंद थी वो एक्टिव साइट खुल जाती है। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, कन्फर्मेशनल चेंजेस से जो एक्टिव साइट थी वो एक्सपोज हो गई। जब एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एडीपी और पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है, इन्हें बस एनर्जी चाहिए थी। जैसे वो एक्टिव साइट और एनर्जी मिली, इन्होंने एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया। तो एडीपी और पीआई कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे, है ना। और जो प्रोटॉन यहाँ थे वो यहाँ वापस आ गए। बहुत सारे सर नीचे हो गए, देख नहीं रहा, नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूंगा। बस ये प्रोटॉन यहां से यहां क्रॉस करके आएंगे, जब प्रोटॉन क्रॉस करके आएंगे तो उन्हीं प्रोटॉन में से कुछ एनर्जी जो है वो एडीपी और पीआई के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगी, है ना। दोबारा से देख लो, यहाँ पे था एडीपी और पीआई, ये एक्टिव साइट पे रिएक्शन होगी, जो बनेगा वो एटीपी। अब दिख रहा है, ये रिएक्शन एक्टिव साइट पे होगी। यस। और जहां तक बात थी कि ये जो प्रोटॉन क्रॉस करके आ रहे हैं, वो प्रोटॉन नीचे तो जाएगा ही, ये प्रोटॉन आपके यहीं इकट्ठा हो जाएंगे बाहर स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा है ना बाहर नीचे की तरफ, तो ये जो प्रोटॉन है ये क्रॉस करके स्ट्रोमा में आएंगे, फिर ये प्रोटॉन यही वाले हैं, ये वाले कह लो या ये वाले कह लो, ये यही है, प्रोटॉन स्ट्रोमा में कहां से आए थे, ये जो ल्यूमेन थे यही क्रॉस करके स्ट्रोमा में आए, और फिर इन्हीं प्रोटॉन में को कुछ ने तो प्लास्टोक्विनोन ने वापस छोड़ दिया, और कुछ एनएडीपी के साथ कंबाइन करके एनएडीपीएच2 ने बना लिया। तो सर, हाँ सर, ये जो यहाँ पर एनएडीपी जो है वो एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ जो प्रोटॉन लग रहे हैं वो ल्यूमेन से होते हुए पहले एक्टिव साइट पे जाएंगे, फिर वहां से जाएंगे वहां। एक्टिव साइट पे प्रोटॉन का यूज नहीं है, नहीं मतलब सर वहां से होते हुए सर, सीएफ नॉट से निकल के बाहर आएंगे। बस बाहर निकल के आने में क्या है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसे पीटर माइकल ने जब मेजर किया कि यहाँ पे मान लीजिए अगर प्रोटॉन है 3 फॉर एग्जांपल, तो जब उसको मेजर करके देखा गया तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की मतलब यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल की जो एनर्जी है वो 3 प्रोटॉन के बराबर है, और जब यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल को मेजर किया गया तो ये 2 प्रोटॉन के बराबर मिली। तो फॉर एग्जाम्पल की एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी कहां गई, तो जो एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी थी वो इसके कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस में यूज हुई। प्रोटीन है, प्रोटीन की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसकी एक्टिव साइट को एक्सपोज करने में कुछ एनर्जी यूज हो गई। तो यहाँ पे जितने प्रोटॉन थे और यहाँ जितने प्रोटॉन है वो बराबर नहीं होंगे, कम रहेंगे हमेशा, क्योंकि उसका कुछ रेफरेंस, कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो एडीपी आईपी के बीच में बॉन्ड बनाने में या एटीपी बनाने में जो है वो यूज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिखा देता हूं। ये हो गया यहां से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप एक बार देख लो तो आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। रेड चूज कर ले रहा हूं, ये नई वाली एनसीईआरटी में मिलेगा आपको डायग्राम। ये पिंक कलर से जो बना हुआ है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, आपको दिख रहा होगा, अरे छोटा कर दिया है क्योंकि आपकी स्क्रीन नहीं तो कट जाएगी। आप एनसीईआरटी में चाहो तो अपने पास एनसीईआरटी निकालो और उस डायग्राम में देख लो। सही, यही तो बनाया है अभी। हाँ यही बनाया है, बस एक समझने की बात है आपको, और ये क्योंकि टाइप है
तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, है ना। ये आपका पीएस टू हो गया, पीएस टू में आपने यहाँ पे लिखा है कि लाइट है, लाइट है तो पीएस टू आएगा। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, ये पहला, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा हुए, ठीक। फिर आप इसके आगे देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू और नीचे लिखा है पी क्यू एच टू, तो पी क्यू से जब पी क्यू एच टू बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को भी लेगा और ये प्रोटॉन को भी लेगा, लेकिन पी क्यू एच टू से जब पी क्यू बनेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चलेगा साइटोक्रोम को और प्रोटॉन आ गई ये, तो जो दूसरा रीजन है ल्यूमन में प्रोटॉन को इकट्ठा करने का वो है प्लास्टोक्विनोन का नेचर। फिर उसके बाद बना है साइटोक्रोम बी सिक्स और एफ, साइटोक्रोम बी सिक्स से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लास्टोसाइनिन में, वहां से पी एस वन में जा रहे हैं, पी एस वन में आप देखोगे तो एफ डी लिखा है, ये लिखा है एफ एन आर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये PQH2 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, H+ तो ल्यूमेन में आ गए, इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम B6 को जाएगा ना। हाँ यस सर, है ना। तो ये साइटोक्रोम B6 में आए, फिर B6 से F में आए, F से प्लास्टोसाइनिन में आए, प्लास्टोसाइनिन से PS1 में गए, PS1 से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को गए, वहां पे FNR एंजाइम है, है ना, तो ये वही FADP FAD रिडक्टेज एंजाइम जो आपने लिखा था, NADP FD रिडक्टेज, वो FNR एंजाइम है और वो यहां पे NADP क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये NADP H2 के अंदर चेंज कर देगा। तो तीसरा रीजन जो है वो ये है। तो ये तीनों रीजन है, पहले और दूसरे रीजन से क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन इकट्ठा हुए, ये ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लिखा है ल्यूमेन हाई प्रोटॉन, और अगर आप स्ट्रोमा में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है स्ट्रोमा लो प्रोटॉन, ये लिखा है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि प्रोटॉन यहाँ जब ज्यादा इकट्ठा होंगे यहाँ कम होंगे तो ये ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर ये ग्रीन से आपकी बुक में दिखाया गया कि जब प्रोटॉन सी एफ नॉट पोर्शन से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, तो प्रोटॉन तो यहाँ के यहीं आ गए लेकिन इसमें हुआ क्या, एडीपी पीआई कंबाइन करके एटीपी बना देगा, ये सी एफ वन पोर्शन हो गया। ये जो प्रोटॉन है फिर ये वही प्रोटॉन है जो आपके यहाँ कंबाइन हुए या ये यहाँ आ गए और इनको फिर वापस जो है वो प्लास्टोक्विनोन ने ल्यूमेन में डाल दिया या एनएडीपी ने प्रोटॉन से कंबाइन करके एनएडीपी बना दिया। बोलो। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में ल्यूमेन से कम होगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में ल्यूमेन से कम होगी, हाँ ठीक है, हमेशा प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा रहेंगे और स्ट्रोमा के अंदर कम। ठीक है सर, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन है। नहीं ट्रांसवर्स नहीं है, डायग्रामेटिक है, बस आप थैलाकोइड मेम्ब्रेन को एक सर्कल जैसा मान लो, उसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये तो सिर्फ आपको 2D में दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ 3D में नहीं आएगा। नहीं वाली एनसीईआरटी का है ना सर, आप मेम्ब्रेन को सर्कल की जैसी तो होती है एक्चुअली, वो रिंग लाइक होती है इसलिए बनाया, आप एक मेम्ब्रेन को सीधा बना लो, सारे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर मेम्ब्रेन में ही है, कुछ अंदर की तरफ है कुछ बाहर की तरफ है, बस ये फर्क पड़ता है। इसको अगर आपको मेम्ब्रेन में देखना होगा तब तो आपको एमएससी लेवल की किसी बुक में या रिसर्च लेवल की किसी बुक में देखना पड़ेगा, जहां एग्जैक्टली थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स बना के और ये सब होते हुए दिखाया गया होगा। सर हाँ सर, कितने प्रोटॉन पंप करने पर एक एटीपी बनेगी, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, कि एक्चुअली है तो, लेकिन आपको ये पढ़नी नहीं है क्योंकि फिर वो हर केस की अलग अलग है, मतलब साइक्लिक की अलग है, नॉन साइक्लिक की अलग है और रेस्पिरेशन वाली अलग है, आपको ऐसा कुछ नहीं देखना कि कितने प्रोटॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो एटीपी बनेंगे, क्वेश्चन मिले भी तो छोड़ दीजिएगा, बताने को तो मैं बता दूंगा लेकिन एक ही बताऊंगा तो फिर ये कि वो तीन और आएंगे आगे, है ना, तो इसलिए वो कैलकुलेशन छोड़ दीजिए। चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ तो साइटोग्राम B6 और F को एक साथ दिया हुआ है, होता है एक साथ ही है बेटा, बट B6 पहले होगा F बाद में होगा, एनर्जी स्केल के हिसाब से है दोनों साइटोग्राम, थोड़ी सी डिफरेंस है, तो B6 और F, F और B6 नहीं लिखा होगा, आप इससे याद रखो, है ना, इट इज नेवर बी रिटन एज साइटोग्राम F B6, इट इज ऑलवेज रिटन एज साइटोग्राम B6 F, यानी B6 पहले आएगा F बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट।
अगर आप देखोगे फॉलोइंग स्टेप्स जो प्रोटॉन के ग्रेडियंट को क्रॉस करते हैं तो कौन कौन से हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया, हम सीधे सीधे आते हैं, ये लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये कहाँ होती है, टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इनर साइड होंगे तो प्रोटॉन्स कहाँ एक्युमुलेट होंगे, विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेफाइड मेम्ब्रेन, है ना, ये तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो ल्यूमेन के अंदर आएंगे, तो ये पहला रीजन हो गया, ठीक। दूसरे रीजन पे जाओ, दूसरा रीजन ये जो भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब प्लास्टिक, यहाँ पे लिखा है आपकी बुक के हिसाब से प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन से है, और प्लास्टोक्विनोन के लिए आगे यहाँ पे लिखा होगा कि इट इज नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर, मतलब जब वो पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी पास करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो वो पीछे फियोफाइटिन से लेके साइटोक्रोम B6 को देगा, मीनवाइल वो प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठा के ल्यूमेन में डालेगा, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आगे देने के लिए एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, जैसे मैंने बताया कि अगर पीछे से वो दो इलेक्ट्रॉन को लेके साइटोक्रोम B6 को दे रहा है तो मीनवाइल वो दो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमेन में छोड़ेगा, तो ये लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है ना, और इस सब की वजह से भी क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, पहला और दूसरा। फिर एक तीसरा दे रखा है, तीसरा जो है वो एंजाइम दे रखा है, वही NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADPFB रिडक्टेज एंजाइम, थर्ड रीजन ये दिया हुआ है, और ये क्या करता है, ये करता है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, ये NADP+ को NADPH2 में चेंज कर देगा, है ना, जो लास्ट में आपने यूज किया, ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से कम कर देगा, पहले और दूसरे ने ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ाए हैं तो तीसरे वाले ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम किया है, ये बेसिकली यहाँ पे नोटिस करने की चीज है। अब इस सब के होने के बाद क्या होगा, इस सब के बाद ये होगा देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, और इसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अंदर बन जाएगा, जिसको आप pH के मेजरमेंट की फॉर्म में ला सकते हो। इसको आप मेजर कैसे करोगे, इसको आप मेजर करोगे डिक्रीज इन pH ऑफ ल्यूमेन, है ना, तो ये चीज आ जाएगी। अब इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को तोड़ा कैसे जाएगा, तोड़ने के लिए अभी आपको बताया ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होते हैं CF0, तो CF0 की खास बात क्या है कि वो मेम्ब्रेन को पूरा कवर करती है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो ऐसे मेम्ब्रेन को, ऐसी प्रोटीन को आप क्या बोलते हो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हो, जो कैरियर प्रोटीन कहलाती है, तो वो प्रोटॉन को अंदर से बाहर यानी ल्यूमेन से स्ट्रोमा में लेके आने वाली है ना, तो इसलिए ये CF0 पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा इनके बारे में दिया है कि CF0 पार्ट क्या होता है, CF1 क्या होता है, मैंने आपको दोनों बताए, जो CF0 है वो इंटीग्रल है यानी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है इन टू द मेम्ब्रेन, है ना, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का काम कर रहा है ना? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है प्रोटॉन का, प्रोटॉन इसी से निकल के आएंगे, प्रोटॉन्स को निकलने के लिए एक फैसिलिटी दे दी गई कि तुम CF0 वाले सेक्शन से ही बाहर आओगे। जहां तक CF1 की बात है ये पेरिफेरल पार्ट है, ये प्रोट्यूड आउट ऑफ द सरफेस मेम्ब्रेन से बाहर यानी स्ट्रोमा की तरफ निकल के आएगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब ये ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, ये लिखा हुआ है बुक में, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे CF1 पोर्शन में, और उसकी वजह से एंजाइम एक्टिव होगा और वहां पे एनर्जी पैक्ड ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो सारी लाइंस को मैंने तोड़ के वन बाय वन पॉइंट में दे दिया है, आपको पढ़ने में डायग्राम से भी और टेक्स्ट से भी पढ़ने में दोनों तरीके से आपको ये ईजी रहेगा। यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर जो चार चीजें थी जो मैंने पहली स्लाइड में आपको पढ़ाई थी वो सारी यहाँ पे आएंगी। अब इसका होगा क्या, बोलो सर, फोटोसिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पहले तो फियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है ना, तो प्लास्टोक्विनोन प्राइमरी एक्सेप्टर क्यों? फियोफाइटिन एक्चुअली क्या है कि एक तो ये कि फियोफाइटिन सिर्फ हायर प्लांट्स में है, फियोफाइटिन लोअर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, एक तो ये, और दूसरा जब कभी भी ऐसा किसी क्वेश्चन में या NCERT में आपको लगे कि पीछे की सीरीज नहीं दी गई तो उससे नेक्स्ट वाले को मान के आपको आंसर करना होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे
जैसे आपसे कहा जाए कि नॉन साइक्लिक या साइक्लिक कोई भी है, ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी विल फॉर्म। अब ये कहां बनेगा? तो अब ऑप्शन में तो आपको पता है कि बिना ऑप्शन के तो आपने ये पढ़ा कि साइटोक्रोम B6 और F के बीच में बनेगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया, तो आप कैसे आंसर करोगे? तो इसका आंसर ऐसे दिया होगा, साइटोक्रोम B6F ना देके क्या दिया होगा, प्लास्टोक्यूनोन और F के बीच में। भाई B6 को हटा दो तो प्लास्टोक्यूनोन और F के बीच में आ जाएगा, या साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनिन के बीच में अगर आप F हटा दो तो ये आंसर आ जाएगा। आपको नियर बाई आंसर पे जाना होगा। तो जहां पे वो सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है वहां पे फियोफाइटिन को कंसिडर नहीं किया गया, तो अगर फियोफाइटिन नहीं मान लीजिए दिया हो, आपसे ऐसे ही पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, और ऑप्शन में फियोफाइटिन है ही नहीं, अब क्या करोगे? तो फिर उसके नेक्स्ट वाला आंसर फियोफाइटिन हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए PQ भी ना दिया होता, फियोफाइटिन भी ना दिया होता, मे बी क्यूनोन दिया होता, अगर क्यूनोन नहीं दिया होगा तो साइटोक्रोम B6 आंसर कर दोगे, जो भी नेक्स्ट आता जाएगा सीरीज में वही आंसर बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि जो रोल है फियोफाइटिन का ये काम नहीं है कि वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम मैट्रिक्स टू स्ट्रोमा, ये प्रॉपर्टी प्लास्टोक्यूनोन के पास है। ये भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल का मतलब क्या है कि वो बाहर से प्रोटॉन को लेके अंदर जाके छोड़ के आएगा और फिर अपनी पोजिशन पे वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, मैं खड़े खड़े इधर से कुछ लूं और इधर छोड़ दूं, इधर एक हाथ से लिया और इस हाथ से छोड़ दिया, तो मैंने अपनी पोजिशन थोड़ा चेंज की है। लेकिन अगर मैं पोजीशन चेंज करते हुए यही काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन का कैरियर तो हूं लेकिन मैं मोबाइल हूं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो उसका आंसर प्लास्टोक्यूनोन है ना। मोबाइल का मतलब है कि वो प्रोटॉन को कैरी कर रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ, लेकिन प्रोटॉन को छोड़ के आएगा अंदर की तरफ और वापस अपनी पोजिशन पे आएगा। तो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने में वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, है ना। ऐसे आप जब आगे रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा, वहां पे एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है बट वो रेस्पिरेटरी ETS का है, ये फोटोसिंथेसिस की ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये फोटोसिंथेसिस का है। आगे रेस्पिरेशन में भी ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आएगा, दोनों जगह क्लोज सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव की मैकेनिज्म एक ही जैसी है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में दो ही चैप्टर को सबसे टफ माने जाते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो यूजुअली समझने लायक हैं, है ना। यहां तक क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस में आप लास्ट में आप देखोगे ये पैराग्राफ आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद NADPH2 जो नॉन साइक्लिक में बने, है ना, और ATP जो नॉन साइक्लिक में बना। अब ये कहां यूज होगा? यहां लिखा है यूज्ड इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अब ये बायोसिंथेटिक रिएक्शन कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। तो अब हमारा डार्क रिएक्शन शुरू होने वाला है और उससे होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा और बनेगा शुगर। तो अभी तक जो ATP और NADPH2 बना है ड्यूरिंग दिस वे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब उसका यूज होगा इमीडिएटली इनटू द डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर की सिंथेसिस करने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल अब हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है डार्क रिएक्शन। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज अब हम डार्क रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। बुक में हेडिंग दिया होगा वेयर डस ATP एंड NADPH इज यूज्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो अगली चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बुक में दिया है वेयर डज, ऐसी हेडिंग लिखा होगा कुछ, ATP एंड NADPH2 यूज्ड। ATP और NADPH2 कहां यूज होते हैं? तो ये बेसिकली कहां यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फूड।
मोर एक्यूरेटली कहा जाए तो शुगर। तो ये यूज कहाँ होंगे, ये शुगर की सिंथेसिस में यूज होने वाले हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने लिखा ही कि इसको बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक मतलब यहाँ एक्चुअली एंजाइम्स आएंगे बहुत सारे, एंड एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, इसलिए फिर ये बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये लाइट पे, लाइट से इंडिपेंडेंट है। आगे लिखा है दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे पे पूछा गया कि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, चूज द राइट वन, सेंटेंस लिखे थे और आपको चूज करना था। डार्क रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, और नन ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है सीधे सीधे कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं होती, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच2, जिसको यूज करके CO2 से शुगर बनेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिटो एनसीईआरटी की लाइन होती है, कुछ नहीं करना। अगर आपने एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ा हुआ है तो आपका आधा पेपर तो ऐसे ही बायो का सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसलिए कहता हूं कि अगर आपके बॉटनी के टेस्ट में 50% मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। आपको केल्विन में मेरे से पढ़ने से पहले आपको वापस अपने 11th 12th के हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद के 50% क्वेश्चन के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या किसी और ट्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। तो याद रखिएगा कि एनसीईआरटी से पढ़ोगे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट 50% पेपर तो ऐसे ही आता है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, बिकॉज ये लैब में प्रूव किया गया कि अगर आप प्लांट को लाइट मत दो, लेकिन आप उसको मीडियम में, उसको सोर्स में अगर आप ATP और NADPH2 बना बनाया दे दो, ATP एनर्जी का सोर्स है और NADPH2 एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का टेम्परेरी कैरियर है। इसी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को यूज करके आगे CO2 का रिडक्शन होगा इनटू शुगर, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ भी मान लो, तो भी फोटोसिंथेसिस यानी डार्क रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये होता क्या है वो आप देख लीजिए। डार्क रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या है, डार्क रिएक्शन तीन तरीके से होती है ना। आगे हम चलेंगे तो चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये स्लाइड था, ये आपका हुआ डार्क रिएक्शन। और ये होता है बाई थ्री वे, तीन तरीके हैं, एक C3 साइकिल है, एक C4 साइकिल है और एक कैम है। C3, C4, कैम, तीन तरीके हैं डार्क रिएक्शन होने के। C3 साइकिल, C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम पाथवे। कैम एनसीईआरटी में सच अलग से नहीं दिया हुआ है, बट कैम के दो तीन क्वेश्चंस हैं, इजी है, आसानी से हो जाएगा, हम पढ़ेंगे कैम पाथवे भी। हालांकि डायरेक्टली एनसीईआरटी में कैम पाथवे के बारे में कोई भी चीज डिस्कस नहीं की गई है ना। C3 C4 तो आपकी बुक में दी हुई है। सबसे पहले C3 साइकिल पे चलते हैं। पहले तो ये कि C3 साइकिल को और क्या क्या नाम दिए गए हैं उन पे आते हैं। आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कहां से दिख रहा है, ऊपर जो लाइन कट रही है मैं आपको लिख देता हूं, इनको आप डार्क रिएक्शन तो कह ही सकते हो। आपको याद होगा डिस्कवरी में हमने पढ़ा था डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन ने दी थी, है ना, तो इसलिए ये ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहलाती है। तो डार्क रिएक्शन बोलिए या ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलिए, एक ही बात है। बाकी मेलविन केल्विन ने इनको डिस्कवर किया था, तो इनको आप केल्विन साइकिल भी बोलोगे, है ना। केल्विन ने C14 आइसोटोप को यूज किया था ऑन क्लोरेला, और उसके बाद इस पूरी साइकिल को डिस्कवर किया। जहां से प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट स्टार्ट हुई है वहां पे मेलविन केल्विन के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, जहां प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट स्टार्ट हुई है
वहां पे आपको एम केल्विन के बारे में दे रखा है। तो केल्विन ने क्या किया था, कार्बन का आइसोटोप यूज किया C14 और इसको यूज करके क्लोरेला के अंदर इस पूरी साइकिल को दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये केल्विन साइकिल भी कहलाती है। फिर आप जानते ही हैं कि इसको C3 साइकिल कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बिकॉज जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो तीन कार्बन का कंपाउंड होगा। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि थ्री कार्बन का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। क्लियर? अब बायोकेमिकल फेज कह सकते हो, बायोकेमिकल आप पहले ही लिख चुके हैं, डार्क रिएक्शन को आप बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते ही है, इसको आप कार्बन एसिमिलेशन भी बोल सकते हो। कार्बन एसिमिलेशन का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट होगी, एसिमिलेशन इज एनाबोलिज्म, तो फोटोसिंथेटिक एनाबोलिक प्रोसेस है, तो इसलिए इसको हम कार्बन एसिमिलेशन बोलते हैं। तो सी एसिमिलेशन या कार्बन एसिमिलेशन आप डार्क रिएक्शन को बोलते हो, C3 को भी बोल सकते हो, C4 को भी बोल सकते हो। फिर इसको PCR भी बोलते हैं, PCR का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। एक तो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिड्यूस करोगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा, तो मैंने पिछली क्लास में भी कराया था आपको कि CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको PCR बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। यहाँ पे 5 कार्बन की शुगर होंगी, 5 कार्बन की शुगर पेंटोज होती है, 5 कार्बन की शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा। हर शुगर के ऊपर फास्फेट लगा होगा, तो पेंटोज फास्फेट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी शुगर इस साइकिल में है जो 5 कार्बन की है और फास्फेटेड है, उनपे फास्फोराइलेशन हो चुका है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे। बट क्योंकि ये रिडक्शन वाला है, तो इसको बोला जाता है रिडक्टिव PPP, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे। क्योंकि आगे आप कहीं पे ऑक्सीडेटिव PPP भी पढ़ोगे, ऐसा भी पेंटोज फास्फेट पाथवे होगा जो ऑक्सीडेटिव होगा। ये वाला कौन सा है, ये रिडक्टिव है ना, मैंने हर चीज के मीनिंग आपको क्लैरिफाई किए। पेंटोज इज ए 5 कार्बन शुगर, फास्फोराइलेटेड है और इस पूरे पाथवे में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोला गया रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे। PCR बोलने का रीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस है, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, तो PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल नाम दे दिया गया। ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, डार्क रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो नाम दे दिए गए। थर्ड कार्बन का स्टेबल कंपाउंड होगा, इसलिए C3 कहलाता है। मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, तो केल्विन साइकिल हो गया इन क्लोरेला यूजिंग C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये सारी बातें याद रखिएगा, सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। अब ये सर कार्बन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस, जो एनाबोलिक प्रोसेस होते हैं ना वो एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस, जिसको आप एनाबोलिज्म भी बोलते हो। तो यहाँ पे एसिमिलेशन तो हो ही रहा है, CO2 से ग्लूकोज बनाओगे, सिंपल इनऑर्गेनिक से आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाओगे, लेकिन एसिमिलेशन किस चीज का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, तो कार्बन एसिमिलेशन बोल दिया गया। ठीक है, अब आपको केल्विन साइकिल पढ़नी है। यहां भी केल्विन साइकिल जो आपके सिलेबस में है वो जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है उतनी ही है, ये डिटेल्ड केल्विन साइकिल नहीं है, ये केवल केल्विन साइकिल का ब्रीफ लेआउट है। छोटे छोटे टुकड़े करके 3 पार्ट में केल्विन साइकिल को समझा दिया गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसमें जो रीजनरेशन वाला स्टेप है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरी केल्विन साइकिल ना आपको पढ़नी है और ना ही आपके सिलेबस में है, दोनों बातें है ना, आपको जो सिलेबस में है बस केवल वही कंप्लीट करनी है। तो हम अभी केल्विन साइकिल बनाते हैं और समझते हैं क्या है केल्विन साइकिल, या ब्रेक के बाद करोगे, 1:10 होने वाला है सर, 1:30 तक चलेगा क्लास, देख लो मतलब क्लास ऑफ वो तो अभी ब्रेक लोगे या फिर कम से कम 15 मिनट के बाद आएगा जब ये पूरी C3 साइकिल हो जाएगी, बीच में मत रोक, पंद्रह मिनट के बाद सर, 1:30 घंटे मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 बजे तक पढ़ते रहो बस, फिर ब्रेक मैं अपने हिसाब से दूंगा, फिर बीच में मत बोलिएगा कि टाइम हो गया या ब्रेक देना है ना। ठीक है, अब इस साइकिल पे आते हैं। चलो साइकिल को पहले अपने हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ,
आपको ड्राइंग में जो समझ में आए, एनसीईआरटी में जो दे रखी है वो आपके सामने है, एनसीईआरटी खोल के देख लो मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बल्क सोर्स क्या होता है? एटमॉस्फेयर। जो मेन कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कहां से आती है? एटमॉस्फेरिक CO2 होती है। तो इसलिए C3 C4 हर जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखी गई है वो कौन सी है? एटमॉस्फेरिक CO2 है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एटमॉस्फेरिक CO2 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब ये कंबाइन करती है इनिशियली RuBP से, किससे कंबाइन कर रही है? RuBP से। RuBP क्या हो गया? RuBP की फुल फॉर्म अभी हम लिख देंगे, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म ये नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ। RuBP इज राइबुलोज, राइबुलोज इज ए 5 कार्बन शुगर, फर्स्ट कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन की शुगर है, वैसे भी राइबुलोज है, तो आई होप कि आपको याद हो बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से। नहीं याद है तो मैंने जैसे शुरू में ही बोला, जितनी जरूरत बायोमॉलिक्यूल की मुझे पड़ेगी मैं आपको करा दूंगा। तो RuBP क्या है? RuBP का ये पूरा नाम है, 5 कार्बन की एक शुगर है जिसपे 2 फॉस्फेट लगे हैं, पहले कार्बन पे और पांचवें कार्बन पे। तो एज पर IUPAC नेम इसका बनेगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये RuBP। तो RuBP क्या हुआ? RuBP आपका कितने का है? ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड, और CO2 तो एक कार्बन का ही। तो RuBP कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, C3 साइकिल की बात हो रही है, तो C3 साइकिल में CO2 का एक्सेप्टर कौन होगा? RuBP होगा। हो सकता है RuBP ना देके ऑप्शन में दिया हो कि एक 5 कार्बन की शुगर, तो वो भी आंसर ठीक है। RuBP एक 5 कार्बन की ही शुगर है, राइबुलोज शुगर कहलाती है। 5 कार्बन की शुगर कोई और भी आप पढ़ते हो बताओ? एनी अदर एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर? अल्फा केटोग्लुटामिक एसिड। बेटे वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो सारी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ कर दोगे। राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए आरएनए में है रेस्पेक्टिवली, वो भी तो 5 कार्बन की है। राइबोज भी 5 कार्बन की है, और राइबोज में आप सेकंड से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए वाला बन जाएगा, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो राइबुलोज है, ये भी 5 कार्बन की है ना। खैर अब ये 5 कार्बन की शुगर हो गई, ये एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे पहला स्टेप दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो रही है ना, CO2 का यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, CO2 किसी में जुड़ रही है, तो इस पहले स्टेप को नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन क्या कहलाएगा? फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। इस कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम कौन सा चाहिए? यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम होता है रूबिस्को, RuBisCO, ये एंजाइम है ना ठीक। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? रूबिस्को की फुल फॉर्म में ये तो ऐसे ही आएगा, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, सी फॉर कार्बोक्सिलेज एंड ओ फॉर ऑक्सीजिनेज। अब आप यहां पे नोटिस करोगे तो यहां पे दो एक्टिव साइट हैं, एक कार्बोक्सिलेज और एक ऑक्सीजिनेज की। तो रूबिस्को से पूछा जाता है कि एक ड्यूअल एंजाइम है। ड्यूअल एंजाइम का मतलब है इट हैज एक्टिव साइट फॉर टू, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेप्ट कर सकता है ये, और ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी फिलहाल केल्विन साइकिल में क्या एक्सेप्ट होगा? CO2, जैसा हमने लिखा ये एटमॉस्फेरिक CO2 रूबिस्को के साथ RuBP के साथ कंबाइन करके कुछ बनाने वाली है, तो रूबिस्को ये। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन कौन सी है, या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर कहा जाए, तो ये एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और सबसे ज्यादा जो एंजाइम प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ बायोमास वो रूबिस्को ही है।
तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो यही है रुबिस्को। तो रुबिस्को के ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे रुबिस्को की जो यूज किया है वो कौन सा किया है, इसका सी वाला पार्ट। सी पे स्टार लगाने का मतलब है हम कार्बोक्सिलेशन को यूज कर रहे हैं। जब आप कार्बोक्सिलेशन को यूज करोगे तो यहाँ बनेगा क्या, अगर आप इसको, हमें क्या करना है, हमें कार्बन बैलेंस करने हैं और एटीपी बैलेंस करने हैं। वाटर बैलेंसिंग आपको कहीं नहीं करनी, आपको जो सिलेबस में है या जो पूछा जाता है वो कार्बन की बैलेंसिंग और एनर्जी की बैलेंसिंग है ना। तो अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है, कार्बन ये है, पाई फाइव कार्बन ये है, तो टोटल सिक्स कार्बन हो गए। पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा है, पीजीए। तो पीजीए कितने कार्बन का होता है, ये थ्री कार्बन का होता है। पीजीए है क्या, फॉस्फोग्लिसरेट। इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, एक ही बात है। तो फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और ये तीन कार्बन का है, क्योंकि तीन कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, है ना। C3 साइकिल बोलने का रीजन क्या है, बिकॉज थर्ड कार्बन कंपाउंड इज अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और नहीं बना, बीच में कुछ बनता है लेकिन वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है। मैंने कभी पहले भी आपको बताया हो, तो स्टेबल कंपाउंड का मतलब होता है जहां रिएक्शन को आइसोलेट करके उस कंपाउंड को आप क्रिस्टलाइज करके बाहर ला सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई साइकिल हो रही है, आपने जूलॉजी में बहुत सारी साइकिल पढ़ी होंगी, तो लाइक उन साइकिल को हम कहीं पे रोक सकें और रोकने के बाद उस कंपाउंड को क्रिस्टल फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में बाहर निकाल सके, तो वो चीज स्टेबल कहलाती है। तो ऐसे ये है, बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो ट्रांजिशन का कंपाउंड है, वहां पे रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता। रिएक्शन रुके ही कहां, पहली बार रिएक्शन रुकती है पीजीए पे जाके। इसका मतलब पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पीजीए बनेगा, जो तीन कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये चीजें याद रखिएगा कि आपसे एसिड पूछा गया या शुगर पूछा गया, फर्स्ट स्टेबल शुगर अलग आंसर आएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अलग आंसर आएगा, फर्स्ट विजिबल शुगर अलग आंसर आएगा, फर्स्ट ट्रांसलोकेटेड शुगर अलग आएगा, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट अलग आएगा, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर अलग अलग आएगा। पूछा क्या गया है वो, और ये सब बायोमॉलिक्यूल है, तो आप बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से ही सारी चीजें देते हैं। जैसे अभी मैंने पूछा था फाइव कार्बन की शुगर, आपने बोला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड शुगर नहीं है, वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और मैंने आपसे शुगर पूछा था, है ना। तो इसलिए चीजें ध्यान रखिएगा, है वो भी फाइव कार्बन का, है ना। तो ये पीजीए का मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये एक CO2 है, एक RuBP है, तो छह कार्बन से पीजीए तीन कार्बन का है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना। तो आइडियली अगर देखा जाए तो हमें इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए। हमें पीजीए के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें पीजीए के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो 2 PGA बन गए। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब इस पीजीए को हम क्या करेंगे, इस पीजीए को हम रिड्यूस करेंगे। एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, जल्दी बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लवर्स कोई है, अभी शुरू ही नहीं हुई। एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर ये ग्लिसरिक एसिड है तो इसका रिडक्शन से क्या बनेगा, ग्लिसरल डिहाइड। और अगर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरॉल अल्कोहल था, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे, एल्डिहाइड से एसिड बनाओगे, ऑक्सीडेशन की लाइन, और अगर इसको रिवर्स में लाओगे तो एसिड की लाइन, रिडक्शन की आती जाएगी। तो ये एसिड है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अगर इसका रिडक्शन कर दे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ये ग्लिसरॉल का एसिड है, जो बनेगा वो ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा हो तो सबसे कम कार्बन की शुगर कौन सी होती है,
मिनिमम कार्बन जो शुगर में प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं? ट्रायोज होती है, ट्रायोज, तीन कार्बन जो है वो मिनिमम होते हैं, दो कार्बन की कोई शुगर नहीं हो सकती। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू बी ए शुगर इज थ्री कार्बन, और थ्री कार्बन की शुगर का नाम क्या है? तीन कार्बन की शुगर का नाम क्या है? जैसे सिक्स कार्बन को आप बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऐसे थ्री कार्बन की शुगर को क्या बोलते हैं? ग्लिसरलडिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एल्डोज और कीटोज के हिसाब से, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शुगर हो सकती है, कीटो शुगर भी होती है, एल्डो शुगर भी होती है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। यहां क्या बनेगा, यहां आपकी बुक में लिखा है ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज मतलब तीन कार्बन का और फॉस्फेट इसमें लगा हुआ है, बट इसको अगर मैं नाम लिखूंगा तो क्या बनाएगा ये कहलाएगा फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, जिसको आप बोलते हैं PGAL, फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, वो एसिड था, ये उसका एल्डिहाइड है, लेकिन तीन कार्बन का है तो ट्राइओज और फास्फेट लगा हुआ है तो फास्फेट, तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है ट्राइओज फास्फेट। ट्राइओज लिखने का मतलब ये है कि ये शुगर है, आप इसे लिखें या ना लिखें, ट्राइओज शुगर लिखा हुआ है या ट्राइओज फास्फेट शुगर लिखा है या शुगर नहीं लिखा, डजंट मैटर, एक ही बात है। तो ये तीन कार्बन का ये भी है भाई। अब आपने रिडक्शन किया, दो मॉलिक्यूल हैं तो दो मॉलिक्यूल इसके भी ले लेते हैं। अब अगर आप एसिड से एल्डिहाइड बनाओगे तो आपको रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, चलो जी दूसरा स्टेप का नाम लिख देते हैं, सेकंड स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एनर्जी चाहिए, रिडक्शन करने के लिए एक तो चाहिए प्रोटॉन और एक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी, तो वो कहां से आती है, वो जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच2 बनाए थे, तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच2 जो बने थे एक साथ ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ये यहाँ पे यूज हो जाएंगे, और यूज हो जाके बनाएंगे क्या, इनसे जो एनर्जी है वो एनर्जी बॉन्ड बनाने में जाएगी, और यहाँ पे जो H2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो CO2 या इसको रिड्यूस करने में चले जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा ADP, PI और NADP, ATP का बॉन्ड टूट गया, एनर्जी मिल गई और NADP बचा रह गया, क्योंकि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे वो रिडक्शन में यूज हो गए। अब अगर दो मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है तो कितने चाहिए होंगे, ये भी दो चाहिए होंगे, तो दो मॉलिक्यूल यहां भी चाहिए, दो मॉलिक्यूल यहां भी चाहिए, तो आपके दो मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गए और दो मॉलिक्यूल आपके रिड्यूसिंग पावर के यूज भी हो गए। अब हमें फाइनली क्या बनाना है, हमें शुगर बनानी है हेक्सोज, हेक्सोज शुगर यानी छह कार्बन की शुगर, अगर छह कार्बन की शुगर है तो ट्राइओज फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल अगर ले लो तो हेक्सोज मॉलिक्यूल यानी छह कार्बन की शुगर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखा है आपकी भाई वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन क्योंकि ये साइकिल है, अगर साइकिल है तो इसे यहीं तक वापस ले जाना होगा जहां से शुरू किया था RUBP तक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइओज फॉस्फेट है इसके कुछ मॉलिक्यूल तो जाएंगे हेक्सोज में और कुछ यहां, जैसे मान लीजिए यहां पे भी दोबारा लिख दे रहा हूं मैं ट्राइओज फॉस्फेट यानी PGAL, इसके अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज बन जाएगा, वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर कितनी होती है, छह कार्बन की शुगर होती है, ये सिक्स कार्बन की है, ये थ्री कार्बन की है, और कुछ ट्राइओज फॉस्फेट यहां भी आएंगे, ये तीन कार्बन के हैं जिनसे आप वापस RUBP यानी पांच कार्बन का बनाओगे, कैसे बनाओगे वो डिपेंड करता है, बट बनेंगे तो हैं जी।
अब ये यहां से लेके यहां तक ये स्टेप सबसे मुश्किल होता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने छोड़ दिया। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। थर्ड, रीजनरेशन किसका कर रहे हो? ऑफ आरयूबीपी। आरयूबीपी वापस चाहिए हमें साइकिल के लिए। यही सबसे मुश्किल काम है और यही सबसे स्किप कर दिया गया। इतनी कैलकुलेशन तो ठीक है कि अगर हम दो मॉलिक्यूल ट्राइयोज के यहां ले लें तो जी वन मॉलिक्यूल हमारा जो है वो बन जाएगा। किसका बन जाएगा? वन मॉलिक्यूल हेक्सोज का बन जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने दो मॉलिक्यूल जो बने थे वो यहां लाके वन मॉलिक्यूल हेक्सोज का बना दिया तो यहां मॉलिक्यूल कहां से लाओगे? और यहां लाओगे नहीं तो ये रीजनरेट कैसे करोगे? तो फिर अगर इसको देखा जाए तो ये छह बार जब साइकिल होगी तो बैलेंस होगी। ये छह कार्बन थे, यहाँ छह कार्बन है, यहाँ छह कार्बन है, यहाँ छह कार्बन है, यहाँ छह कार्बन है, तो ये तो लाइन हो गई, पाथवे हो गया, साइकिल नहीं हुआ। साइकिल करने के लिए यहां भी कुछ लाना है। अब इसको दो बार कर लेते हैं, ये दो मॉलिक्यूल इसके दो इसके ले लो तो ये 12 कार्बन हो गए। यहाँ चार मॉलिक्यूल हैं, यहाँ चार मॉलिक्यूल हैं, दो यहाँ चले गए तो यहाँ दो बचे। अगर ट्राइयोस के दो मॉलिक्यूल बचे तो यानी तीन दूनी छह, 3 × 2 यानी 6 हुआ। और यहाँ पे आरयूबीपी तो 5 × 2 यानी कि 10 कार्बन है, फिर कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो तीन मॉलिक्यूल को लेके करिए ये। एक्चुअली आप छह मॉलिक्यूल को लेके जब करेंगे ना, 6 टाइम जब कैलोरी साइकिल ऑपरेट होगी तब जाके एक ग्लूकोज कैलकुलेशन में आ पाएगा। तो मैं सीधे सीधे इसको कर देता हूं कि अगर यहाँ पे 6 CO2 है, यहाँ पे 6 RuBP है, तो 6 × 1 यानी 6 कार्बन, 6 × 5 यानी 30 कार्बन, 30 और 6 यानी कि ये टोटल कितने हो गए? 36 कार्बन हो गए। अगर ये 36 कार्बन यहाँ पे है और आपको कंपाउंड तो बनाना है तीन कार्बन का ही, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? वी हैव 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA विल फॉर्म। तो 12 × 3 करोगे तो 36 आ जाएगा, 12 × 3 = 36, यहाँ पे 5 × 6 = 30 प्लस 6 × 1 = 36, तो 36 से 36 पे आ गए। अब 12 मॉलिक्यूल अगर PGA के हैं और बनाना है PGAL तो इसके कितने बनेंगे? सेम, क्योंकि तीन कार्बन का ये भी है, तीन कार्बन का ये भी है, तो यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 बनेंगे। अगर 12 मॉलिक्यूल आपने रिड्यूस करने हैं तो आपको रिड्यूसिंग पावर भी कितनी चाहिए? 12 चाहिए, तो ये भी कितने चाहिए हमें? 12 चाहिए। अब 12 में से आपने 2 यहां ले आए तो यहां कितने बचे रह गए? 10 मॉलिक्यूल्स बचे रह गए आपके। अब 10 × 3 = 30 होता है और 6 × 5 कितना होता है? 30 होता है। तो कार्बन से कार्बन आपके जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। आपको कार्बन की बैलेंसिंग ही करनी है, आपको किसी और चीज की बैलेंसिंग नहीं करनी है ना। लेकिन एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइबोलोज में दो फॉस्फेट है, बिस है ना, ये आरयूबीपी था, तो आरयूबीपी का मतलब है बिस फॉस्फेट। 1 और 5 दो फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल में है, और यहाँ पे ट्राइयोज में एक ही फॉस्फेट है, तो नंबर ऑफ फॉस्फेट यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहां से आएंगी? तो उसके लिए बस याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP एक्स्ट्रा खर्च होता है। 6 मॉलिक्यूल रीजनरेट करने हैं तो 6 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आपके 6 मॉलिक्यूल ATP के यूज हो जाएंगे और बनेंगे क्या, 6 मॉलिक्यूल ADP के बनेंगे, और इसमें से जो 6 फॉस्फेट निकल गई वो यहाँ चली जाएंगी। डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ याद रखना है कि RuBP के एक मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने के लिए एक ATP की जरूरत पड़ती है। So total 6 ATP will be required to generate 6 molecule of RuBP during 6 turn of Kelvin cycle. Kelvin cycle 6 बार घूमेगी. Then 1 molecule of glucose will form. Glucose or hexose या fructose जो भी लिखा हो, 1 molecule of sugar will form. बाद में ये hexose sugar है, आप इसको disaccharide sucrose में change कर लो, इसको starch में change कर लो, जो करना चाहो कर सकते हो, है ना? Photosynthesis glucose बनने तक है। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है, उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको दिखाया गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज दिखाया गया, तो वही 6 कार्बन तक यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये पूरी आपकी जो है वो केल्विन साइकिल है ना, कंप्लीट है ना। तीन स्टेप हैं, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, एंजाइम कहां पे इन्वॉल्व है, ट्राइयोज फॉस्फेट का मतलब PGAL है, PGA। अब जैसे मैंने अभी पूछा था आपसे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? PGA। बट अगर फर्स्ट स्टेबल शुगर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? PGAL या ट्राइयोज फॉस्फेट, बिकॉज ये शुगर है, शुगर तीन कार्बन की होती है, एल्डिहाइड या कीटोन वाली, तो ये फर्स्ट स्टेबल शुगर है
और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये शुगर है, ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है, तो उस हिसाब से याद रखिए, है ना। और एसिड से एल्डिहाइड जाएंगे तो ऑब्वियस है कि रिडक्शन होगा। फिर बात आती है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो ये हो गया, फर्स्ट स्टेबल शुगर ये हो गई। फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या है? विजिबल प्रोडक्ट का मतलब है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, जिसको लीफ में टेस्ट किया जा सकता है, वो आएगा हेक्सोज। यहाँ पे ग्लूकोज का टेस्ट आएगा, जब लीफ को क्रश करके आप ग्लूकोज का टेस्ट करोगे, ग्लूकोज के टेस्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चाहे फैलिंग सॉल्यूशन से करें या किसी और सॉल्यूशन से करें, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पहला स्टेबल आपका जो है वो विजिबल कंपाउंड है, ये स्टेबल प्रोडक्ट, ये स्टेबल शुगर, और ये विजिबल शुगर कहलाता है। और फिर अगर किसी को याद है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, तो वहां पढ़ाया गया कि जब शुगर मूव करती है तो वो डाइसैकेराइड में चेंज हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलोकेटेड शुगर क्या है, तो आंसर सुक्रोज होगा। आपने बायोमॉलिक्यूल में ये भी पढ़ा होगा या सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है, विच इज ए पॉलीसेकेराइड। तो यानी कि आपसे अगर स्टोर्ड प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? स्टार्च आएगा, है ना। और स्टार्च हमेशा सेल के अंदर स्टोर होता है। आपसे अगर कहा जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोर्ड प्रोडक्ट क्या है, तो इसी ग्लूकोज से आप सेलुलोज बनाते हो। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोर्ड प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आंसर सेलुलोज हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा आंसर कर लीजिए, मोटो ये होना चाहिए, है ना। ये आपकी केल्विन साइकिल है, इसी को अगर आप आगे ले जाओगे, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी का देखना है तो एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से आप केल्विन साइकिल देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। मेल्विन केल्विन ने दिया था, C14 को यूज करके क्लोरेला के अंदर स्टोर किया था। पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड आएगा, बुक में तो क्लियरली चीजें लिखी हुई है, तो आप अगर उस हिसाब से भी करोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट एक ये लाइन जरूर है कि जो केल्विन साइकिल है इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, ये याद रखिएगा। C3 साइकिल हर जगह होती है, चाहे C4 प्लांट हो उसमें भी C3 होगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा जिसकी वजह से वो C4 है। ऐसे कैम पाथवे भी अगर है तो भी उसमें C3 होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा जिसकी वजह से वो कैम बनेगा। तो C3 तो हर जगह होती है ना, दुनिया का कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हो C3 साइकिल का होना कंपलसरी है ना। इट डज नॉट मैटर, आगे लिखा हुआ है कि वेदर द प्लांट इज C3 और C4 और एनी अदर, यानी C3 है, C4 है या कैम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। C3 साइकिल जो है वो हर जगह होगी। 3 स्टेप है, मैंने आपको साइकिल में बता दिए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, तो आप वो याद रखिएगा। बाकी बुक में आपके तीनों अलग अलग करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, ये डुअल एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों कर सकता है ना, आगे हम पढ़ेंगे। अगर ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है तो फिर क्या होता है, C3 साइकिल होती है, और अगर ये ऑक्सीजनेशन करेगा तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल बोलते हैं, है ना, फोटो रेस्पिरेशन या C2, तो फोटो रेस्पिरेशन भी आगे हम पढ़ेंगे, इसको C2 भी बोलते हैं। तो एक ही एंजाइम है वो दोनों काम कर सकता है, C3 भी C4 भी। अब ये डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा, फिलहाल हमने मान लिया कि हम कार्बोक्सिलेशन के हिसाब से C3 साइकिल पढ़ रहे थे, है ना। रिडक्शन आएगा, ये रिडक्शन कर लेंगे, रीजनरेशन आप कर लीजिए, और फाइनली ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है, लाइक वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, तो 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आप पढ़ ही चुके हैं। टोटल देखोगे तो 12 NADPH2 और 18 ये 12 ATP और 12 NADH2 रिडक्शन वाले स्टेप पे, और 6 ATP एडिशनल है रीजनरेशन वाले स्टेप पे, तो 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए, और ये बन जाएंगे आपके। 6 बार साइकिल ऑपरेट होगी, 6 टर्न ऑफ C3 साइकिल, 6 बार साइकिल ऑपरेट होगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए, तब कहीं जाके आपका 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन पाएगा, है ना। तो 1 ग्लूकोज बनाने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा C4 पाथवे। सर एक बार वो लास्ट वाली टेबल दिखाना फिर से। सर वो डायग्राम लगा दीजिए। अब आप ब्रेक के बाद कर लीजिएगा, डायग्राम मैं लगा के छोड़ देता हूँ, ये डायग्राम कहाँ गया, बहुत पीछे हो गया।
साइकिल वही है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको हैंड रिटन समझ में आता है हैंड रिटन ले लीजिए, आपको बुक का देखना है बुक खोल के देख लीजिए ठीक है। क्रोज बनाना है तो ट्रायल टर्न चाहिए। हाँ बेटा सुक्रोज बनाना है तो 12 टर्न चाहिए साइकिल के। सुक्रोज बनाना है तो कितने टर्न चाहिए? फिर आप डबल कर लो, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है तो, और एक मोनोसैकेराइड के लिए कैलकुलेशन लिखा हुआ है 6 बार साइकिल ऑपरेट होगी, 18 और 12 एटीपी और एनएडीपी एस2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए। अगर आपको डाइसैकेराइड बनाना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। सर आरयूबीवी बनने के टाइम पे हमारी एटीपी यूज होती है? आरयूबीपी बनने के टाइम पे एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए, फास्फेट एक्स्ट्रा चाहिए ना। आरयूबीपी में 2 फास्फेट हैं और ट्राई यूज में 1 फास्फेट है, आप इसको ऐसे समझ लो ना, अभी लिखा तो था मैंने ये। सर एटीपी बन के आरयूबीपी में 2 फास्फेट होती है, एक पहले कार्बन पे और एक पांचवें कार्बन पे, और अगर आप ट्राइयोस फास्फेट बनाओगे तो उसमें एक ही फास्फेट आएगी, वो भी 3rd कार्बन पे। अगर आप ट्राइयोस बनाओगे, ट्राइयोस फास्फेट क्या है, मान लीजिए ग्लिसरलडिहाइड है, ग्लिसरलडिहाइड फास्फोग्लिसरलडिहाइड है ना, ये ग्लिसरॉल हो गया CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड यानी ऑक्सीडेशन करना है तो यहां से आप हटा दो, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ले आओ, ये CHO हो गया, IUPAC नेम के हिसाब से ये पहला कार्बन आएगा, ये 3rd आएगा, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये 1st कार्बन हो गया, ये 3rd कार्बन हो गया। अब आपको फॉस्फेट ऐड करना है तो फॉस्फेट कहाँ ऐड होगा, पहले कार्बन पे तो आ नहीं सकता, उसके भी केमिस्ट्री में अपने रीजन है कि आप जहां पे एल्डिहाइड है वहां पे फास्फेट नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते वो केमिस्ट्री में पूछ लीजिए सर से, फिलहाल यहां आ सकता है। अल्कोहल में से आप ये एच हटा दो और यहाँ पे PO4 लगा दो, बन गया आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, 3 फास्फोग्लिसरलडिहाइड। अब ये मिनिमम शुगर है और इसमें एक ही फास्फेट है 3rd कार्बन पे, और अगर राइबुलोज बनाओगे तो ऐसे 5 कार्बन है लेकिन पहले और पांचवें पे आएगी, यानी एक्स्ट्रा फास्फेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक्स्ट्रा फास्फेट की अगर जरूरत पड़ रही है तो वो कैसे पूरी करोगे? तो फिर यहाँ पे आप देखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले समझा था ना हमने, एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे था या ग्रुप ट्रांसफर आप बोलते हो, तो उसमें यही तो है ना, इसका एक फास्फेट जो है वो इसको चला गया। सर एक बार वो स्लाइड लगा दो जिसमें इन एंड आउट लिखा हुआ है। इसमें सर एक स्लाइड है ना जिसपे लिखा हुआ है कि हमने 6 CO2 दी, 18 ATP दी और 12 NADPH दी, वो वाली लगानी है? यस सर। वो वाली स्लाइड तो लास्ट में ही थी जो एक ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या ये था, ये वाला यस सर, इन और आउट। हो गया सर, हो गया, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर गाइड डायग्राम लगा दो सर, वही साइकिल वाला। यस सर। अरे स्क्रीनशॉट ले लो वरना ये पीडीएफ फाइल तो आपको मिल ही जाएगी। ओके सर, टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी ले लो, सब जगह साइकिल मिल जाएगी।